एरोफरी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 19 जोन्स ऑफ प्रोडक्ट्स देती है अंडर वन रूफ, अंडर वन ब्रांड। हमारा तो ब्रांड का लोगो ही यही है कि हर घर एरोफर, घर घर 15 साल तक की गारंटी वाले मैट्रेसेस। आपका फ्रेंचाइजी बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में वो 3 लाख रुपए जो है वो रिफंडेबल है। हमारा एक भी फ्रेंचाइजी जो हमने बनाया वो कभी बंद नहीं होगी। आपने फ्रेंचाइजी फी लिया, फ्रेंचाइजी के पैसे दिए और उसका मत्था भी मार रहे हैं तो फ्रेंचाइजी लेने का कोई फायदा नहीं होता है। अगर आपने फ्रेंचाइजी लिया, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सिस्टम टेक्नोलॉजी से चलना चाहिए। और एक कहावत कहते हैं कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डाटा कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो डाटा पर 24 जोड़ी जूते इतनी सी स्पेस में, इसमें पूरी लचक, पूरा कंफर्ट, सारा वजन इसी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने ओरवॉच यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज फिर एक नई इंडस्ट्री, नई जानकारी के साथ नया बिजनेस। और वो बिजनेस क्या है, जानकारी लेंगे हम विकास अरोरा जी से, और ये MD है एरोफर के। पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ये नया बिजनेस कैसा हो सकता है, क्यों हो सकता है, सारा डिटेल हम उनसे लेते हैं जानकारी। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर ये बताइए कि ये जो बिजनेस मॉडल क्या है, पूरा डिटेल में हम जानकारी चाहेंगे कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो कैसे आपकी फ्रेंचाइजी लें, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, आपकी कंपनी के साथ क्यों जुड़े और क्या स्पेशल है आपकी कंपनी के साथ। हर एक कंपनी का एक USP होता है, एक खासियत होती है। तो पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि वाई ओनली एरोफर, वाई नॉट अदर, बाकी कोई कंपनी क्यों नहीं, सिर्फ एरोफर ही क्यों। एरोफर ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 19 जोन्स ऑफ प्रोडक्ट्स देती है अंडर वन रूफ, अंडर वन ब्रांड। नंबर वन, प्लास्टिक मोल्डेड चेयर्स। नंबर टू, रिवॉल्विंग चेयर्स। नंबर थ्री, मैट्रेसेस, बेड टेबल्स, लैपटॉप टेबल्स, स्टडी टेबल, कंप्यूटर टेबल, प्लांटर्स, डस्टबिन, एल्यूमिनियम लैडर्स, कपड़े प्रेस करने वाले स्टैंड, कपड़े सुखाने वाले प्योर स्टेनलेस स्टील के स्टैंड। ऐसे बहुत सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारी जो हर घर में चाहिए। हमारा तो ब्रांड का लोगो ही यही है कि हर घर एरोफर, घर घर। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है कहने का मतलब आपके प्रोडक्ट। पहला हमारा खासियत ये है कि हम 19 जोन ऑफ प्रोडक्ट्स में, जो कि और कोई कंपनी नहीं। नंबर सेकेंड आती है गारंटी। हर प्रोडक्ट की कस्टमर को गारंटी चाहिए होती है, का प्रोडक्ट जो जहाँ वो इन्वेस्ट कर रहा है वो सेफ है कि नहीं, उसका रिटर्न उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैल्यू फॉर मनी। जैसे प्लास्टिक चेयर की अगर मैं बात करूँ, हम अपने सभी प्लास्टिक चेयर्स के मॉडल्स पे 2 साल की मिनिमम गारंटी देते हैं, वारंटी नहीं। अभी हमने एक चेयर ऐसी निकाली जिसमें 5 साल की गारंटी निकाली है। इसी तरह मार्केट से अलग है। अब हम प्राइस की बात करें तो ये खाली गारंटी देना, प्रोडक्ट की क्वालिटी देना ही बहुत नहीं होता, प्राइस भी इंडिया की मार्केट में बहुत मेजर फैक्टर है। वी आर अप्रॉक्स 30-35% चीपर देन एनी अदर ब्रांड। जैसे मतलब अगर मैं ब्रांड से कंपेयर करूँ तो किस किस ब्रांड से आपका 35% चीपर है? अगर मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लूँगा तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन सभी को पता होगा कुछ ब्रांड्स हैं जैसे नीलकमल है, सेलो है, सुप्रीम है, और भी कई ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। उन सभी की गारंटी वो 1 साल की देते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये सबसे बड़ा पॉइंट, वी आर द ओनली कंपनी टू गिव 2 ईयर्स गारंटी फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। उनकी चेयर जब फैक्ट्री में बनी वो तब से कस्टमर को 1 साल की गारंटी देते, चाहे उसको बने हुए 3 महीने हुए हैं, चाहे 1 महीने हुए, चाहे 6 महीने हुए, उससे उनको कोई मतलब। हम गारंटी देते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ बिलिंग। जिस दिन हमने कस्टमर को बिल दिया उस दिन से 2 साल की गारंटी। या कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे 5 साल की गारंटी। अब गद्दों पे हमने 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, 15 साल तक की गारंटी वाले मैट्रेसेस बनाए। जैसे अभी मैं कंफ्यूज हूँ, जिसको आप गारंटी बोल रहे हैं, गारंटी या वारंटी? गारंटी तो मेरे हिसाब से होता है कि वो आप रिटर्न कर लेंगे, उसके बाद जगह दूसरा उसको प्रोडक्ट दे देंगे उसी टाइप का। एग्जैक्टली, गारंटी टू गारंटी, नो गारंटी। तो ये हमारा सेकेंड प्लस पॉइंट। इसके अलावा जो हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, ब्रांड स्टोर सभी कंपनियों के खुलते हैं, बहुतों के खुले हैं, लेकिन कोई भी अपने ब्रांड स्टोर को वो फैसिलिटी नहीं देता। जैसे मान लीजिए आजकल 200% इंक्रीज़ है ऑनलाइन सेल में, हर साल 200% बढ़ रही है ऑनलाइन। अब ब्रांड स्टोर ने इन्वेस्टमेंट कर दी, वहाँ पे उसने अपना इंटीरियर में भी खर्चा कर दिया, रेंट भी दे रहा है उसका, बिजली का बिल भी दे रहा है, स्टाफ का भी दे रहा है, लेकिन ऑनलाइन सेल हो रही है। प्रोडक्ट कस्टमर आया, देख गया ब्रांड स्टोर में, लेकिन लेके नहीं गया, वो घर गया, उसने ऑनलाइन पर मंगाया और ले गया, उसे ब्रांड स्टोर को तो कुछ नहीं मिला। हमारी कंपनी में हमने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जो ऑर्डर
जिस पिन कोड के नियरेस्ट आएगा वही ब्रांड स्टोर उसको सप्लाई करे, कैश ऑन डिलीवरी, वहाँ से नेक्स्ट डे डिलीवरी भी। वैसे आपका तो ऑनलाइन भी आपके मतलब प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं? ऑनलाइन हमारे अमेजोन पे भी हो रहे हैं, हमारा अपना भी पोर्टल बन रहा है, हमारे अपने साइट पे भी है, लेकिन बात यह है कि ऑनलाइन सेल का बेनिफिट हम ब्रांड स्टोर्स को भी दे रहे हैं। जो वॉक इन कस्टमर है उसके पास से तो उसको जो मार्जिन मिल रहा है वो मिल ही रहा है, ऑनलाइन में भी हमने उनका शेयर डाला है, भाई आप ही सप्लाई की, जब वो सप्लाई करेंगे उन्हीं की सेल आएगी और उनको उसका मार्जिन मिलेगा तो उनकी भी सेल होगी, कंपनी की तो हो ही रही है सेल। एक और होता है कॉरपोरेट सेल, बल्क ऑर्डर्स। हमारे ब्रांड स्टोर पे फिक्स प्राइस है, जो रेट है उसी रेट पे कस्टमर लेगा, लेकिन जिसको क्वांटिटी में चाहिए, बल्क में चाहिए, कॉरपोरेट सेल है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई मंदिर है, कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर बल्क चाहिए और 100 कुर्सियाँ इकट्ठी चाहिए, तो वो सामने वाला भी चाहता है कि यार मुझे अगर 100 कुर्सियाँ दे रहा हूँ तो मुझे कुछ प्राइस कम चाहिए, तो उस केस में कंपनी उनके साथ डील करती है, कॉर्पोरेट ऑर्डर्स कंपनी पिक करती है और सप्लाई ब्रांड स्टोर के थ्रू ही करती है और उनमें उनका मार्जिन फिक्स किया जाता है। ऑनलाइन, कॉर्पोरेट और रिटेल, अंडर वन इन्वेस्टमेंट यू विल गेट थ्री रिटर्न। एक बार आपने इन्वेस्ट किया है रोफर में और आपको तीनों जगह से रिटर्न। इसके अलावा एक जो हम नई चीज़ करने जा रहे हैं, GST फाइलिंग एंड GST returns विल बी डन बाय द अरोफर्स CA। ब्रांड स्टोर का कोई अलग से CA या अकाउंटेंट या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दैट विल डन बाय द कंपनी। कंपनी का ब्रांड स्टोर कैसे खुलेगा, क्या मिलेगा, इसके अलावा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास तीन मॉडल्स हैं ब्रांड स्टोर के। वन इज़ बिलो 500 square feet, मतलब जिसका एरिया 500 square feet से कम है, वो मॉडल ए है। उससे बड़ा मॉडल आता है 500 से 1000 square feet, उसके बाद तीसरा मॉडल आता है 1000 से ऊपर, वो कितना भी हो सकता है, 3000 हो 8000 हो, कितना भी। तो तीन मॉडल, तो जो मॉडल ए है उसकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट सिर्फ 11 लाख रुपये से, और जो मॉडल बी है उसकी अराउंड 16 लाख, और जो मॉडल सी है वो स्टार्ट हो जाता है 23 लाख एंड अबव है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज मार्केट में आ चुकी है उनकी कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट में कितना दम है, आपके प्रोडक्ट की क्या खासियत है? जी बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए प्लास्टिक चेयर की अगर मैं बात करूँ, हमारी R&D टीम इतनी स्ट्रांग है कि हम कस्टमर को समझते हैं कि उसकी ज़रूरत क्या है। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी आपके कितने फ्रेंचाइजी है और आगे का क्या है, आप कितने फ्रेंचाइजी और देना चाह रहे हैं? अगर मैं बिहार की पर्टिकुलर बात करूं तो अभी आपके बिहार में या बिहार के बाहर कितनी फ्रेंचाइजी, और बिहार में अगला हम 5 साल का बात करें तो क्या? बिहार की मैं बात करें तो अभी हमने आज ही अपना CNDF पटना में फाइनल किया है, आरव वेंचर्स आलोक जी हैं हमारे, इनके साथ हमारा टाई अप है और पूरा बिहार का CNDF हमने इन्हीं को दे रखा है, और अब यहाँ से हमने ब्रांड स्टोर्स ओपन करने स्टार्ट करने, और हमारी टीम है जो कि डेली मार्केट में जाएगी, और ऐसे हम कुछ चुनिंदा दुकानदारों की तलाश में, कुछ ऐसे ब्रांड स्टोर ऑनर्स की तलाश में जो हैसल फ्री लाइफ चाहते हैं कि हमारा जो स्टोर है उसमें कोई बॉदरेशन नहीं है, एवरीथिंग इज सिस्टमेटिकली डन, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस, वी आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, हमारी हर चीज़ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड, समय के साथ चलना चाहिए, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ह्यूमन, वी आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई फ्रेंचाइजी आपसे ले ले वो दुबई के बीच पे लेमन सोडा पी रहा हो तो भी क्या उसकी फ्रेंचाइजी चल सकती है? यही खासियत। अच्छा, वो अपनी लाइफ एंजॉय करे, स्टोर को चलने के लिए सिस्टम, और सिस्टम से चलेगा। तो गाइस ये भी एक प्लस पॉइंट है, आपने फ्रेंचाइजी फी लिया, फ्रेंचाइजी के पैसे दिए और उसका मत्था भी मार रहे हैं तो फ्रेंचाइजी लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपने फ्रेंचाइजी लिया, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सिस्टम टेक्नोलॉजी से चलना चाहिए, और एक कहावत कहते हैं कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डाटा कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो डाटा पर चलने वाला सिस्टम और सिस्टमेटिक सारा चीज़ है। फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करके आप अगले बिजनेस में या जो बिजनेस एग्जिस्टिंग आपका चल रहा है उसके अंदर आपको कोई बॉदरेशन नहीं होने वाला, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सर आपका इंटरव्यू जो था मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारा नंबर, सारा डिटेल, सारा एड्रेस दिया हुआ है,
और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो गाइस आपको पसंद आया, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, और लगातार इस तरह के हम वीडियो ला रहे हैं, इसलिए चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।